तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं BGMI के टॉप 10 ब्रांड न्यू ग्लिच एंड ट्रिक्स, जो कि यहाँ पर होने वाला है इरेंगल मैप के ऊपर, और काफी मजा आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सो गाइज, बिना कोई टाइम वेस्ट के ले चलते हैं फर्स्ट ट्रिक की तरफ। अब गाइज, यहाँ पर फर्स्ट ट्रिक करने के लिए आपको नोवो के पास, नोवो और मिलिट्री बेस के पास, ये जो सबसे हाइट वाला जो जगह आपको देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर आ जाना है। ऊपर में आते यहाँ पर इस घर के बगल में आपको एक बड़ा सा टावर देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आप कह सकते जो इरेंगल का सबसे हाइट वाला यहां पर जगह है। तो यहां पर आपको टावर के ऊपर यहां पर दो जो एंटीना देखने को मिलता है, इस साइड पे यहां पर ये ट्रिक काम करता है। यहां पर देख लो, इस साइड एंटीना नहीं तो इस साइड काम नहीं करेगा, यहां पर सामने सामने एंटीना है तो यहां पर भी काम नहीं करेगा, यहां पर तो खैर एंटीना है ही नहीं। अब गाइस, यहां पर आपको एक रेंडियर की जरूरत पड़ने वाली है। रेंडियर लेके आपको उसी साइड में चल जाना है टावर के, जहां पर दो एंटीना लगा है ओपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर टावर के बीचों बीच, यहाँ पर मैं मार्क कर दे रहा हूँ, बीचों बीच रेंडियर को उछालना है एंड आगे बढ़ाना है, एंड आपका रेंडियर अटक जाएगा, एंड इस प्रोसेस को आपको फिर से कंटिन्यू करते चले जाना है। उछालना है रेंडियर को एंड आगे बढ़ाना है, एंड जैसे आपका रेंडियर टेढ़ा हो जाता है उसको सीधा कर लेना है, एंड बीचों बीच यहाँ पर आपको उछालते चले जाना है एंड आगे बढ़ाते चले जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर एंटीना के पास आ चुका हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा आपको और ऊपर जाना पड़ेगा, एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स यहाँ पर आप इस टावर के टॉप पे यहाँ पर क्लाइंब कर सकते हो। अब गाइस, यहाँ पर क्लाइंब करने के बाद, सीट चेंज करने के बाद, आप इजीली SMG वेपन से एनिमी को तो मार ही सकते हो, साथ ही साथ रेडियर को कुछ इस प्रकार से एंटीना के साइड में एडजस्ट करके अगर आप एग्जिट करते हो तो कुछ इस प्रकार से आप टावर के ऊपर इजीली क्लाइंब कर पाओगे, एंड यहाँ पर बैठे बैठे एनिमी की बैंड बजा सकते हो। देख सकते हो, ये इरेंगल का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, एंड यहाँ पर मैं आपको क्लाइंब करके दिखा रहा हूँ, एंड आप भी ये ट्रिक यूज कर सकते हो। लास्ट सर्कल अगर यहाँ पर बन गया तो काफी मजा आ जाएगा, खासकर अगर आपके पास स्नाइपर है तो यहां से बैठे बैठे काफी सारे किल निकाल सकते हो। यहां पर देख सकते हो, अगर कोई बंदा ब्रिज के पास भी आपको दिखता है तो उसको भी आप मार सकते हो, एंड पूरा का पूरा यहां से कवर कर सकते हो, एंड नीचे उतरने के लिए आप इजीली फिर से रेंडियर का यूज कर सकते हो, एंड इजीली आप यहां पर नीचे आ जाओगे। सो गाइस, इस ट्रिक के लिए एक लाइक तो बनता है, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिलहाल ले चलते हैं एक और कमाल के ट्रिक की तरफ। अब गाइस, ये ट्रिक करने के लिए आपको मैप में इस लोकेशन पे आ जाना है। यहां पर आपको फ्लाइंग रेंडियर लेके आ जाना है, और सामने जो आपको टंकी दिख रहा है इसके ऊपर यहां पर अटक जाओगे। आपको अप वाला बटन कंटिन्यूस प्रेस करना है, एंड इजीली यहां पर ऊपर आ जाओगे। यहां पर आने के बाद काफी अच्छा यहां पर आपको हाइट एडवांटेज मिलेगा, और कई बार लास्ट सर्कल इस एरिया में बन जाता है तो काफी सारे किल यहां से भी आप उठा सकते हो। देख सकते हो, काफी यहां पर आपको हाइट एडवांटेज मिलेगा, और एनिमी आपको जल्दी स्पॉट नहीं कर पाएगा। जो भी बंदे आपको नीचे दिखते हैं उनको आप यहां पर बैठे बैठे मार सकते हो कुछ इस प्रकार से। देख सकते हो, दूर के एनिमी को भी आप इजीली यहां से स्पॉट कर सकते हो हाइट एडवांटेज लेके। सो गाइस, इस ट्रिक के लिए एक लाइक तो बनता है। फिलहाल ले चलते एक और कमाल के ग्लिच की तरफ। अब गाइस, यहां पर ये ग्लिच करने के लिए सेम लोकेशन पे ही आपको ये कंटेनर ब्लू कलर का दिख जाएगा। पहले हम इस बॉक्स के सहारे इसके अंदर ग्लिच करके जाते थे, बट वो ग्लिच यहां पर फिक्स हो चुका है। बट यहां पर आपको ये जो गैप देखने को मिल जाता है ना, यहां पर से आप इसके अंदर इजीली जा सकते हो। यहां पर आने के बाद आपको स्नोबोर्ड ओपन कर लेना है सिंपली, एंड जैसे स्नोबोर्ड ओपन हो जाता है आपको आगे बढ़ाते चले जाना है, एंड अंदर आके यहां पर एग्जिट कर देना है। एग्जिट करते ही बूम गाइस, कुछ इस प्रकार से आप इसके अंदर आ जाओगे, एंड यहां पर कोई भी एनिमी आपको जल्दी स्पॉट नहीं कर पाएगा। देख सकते हो, इस पैक कंटेनर के अंदर आप इजीली बैठ के रैंक पुश कर सकते हो। रैंक पुश के लिए काफी कमाल का यहां पर ये मैं आपको ग्लिच बताया हूं। सो गाइस, इस ग्लिच के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। फिलहाल गाइस, यहां पर अगर आपको कोई भी स्क्वाड दिखता तो आपको हिलना नहीं है, नहीं तो आपको मार देगा। अगर सोलो बंदा यहां पर आ जाता तो उसको आप अंदर में बैठे बैठे इजीली मार सकते हो। फिलहाल यहां से अगर आपको बाहर निकलना है तो यहां पर सेम लोकेशन पे यहां पर चले जाना है गैप के पास, एंड यहां पर फिर से आपको स्नोबोर्ड ओपन करना है, आगे बढ़ाना है, एंड जैसे आगे बढ़ा लेते हो तो एडजस्ट करके यहां पर आपको एग्जिट वाला बटन दबा देना है, एंड इजीली यहां पर बाहर आ जाओगे। ओके गाइस, सो बिना कोई टाइम वेस्ट के ले चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अब गाइस, यहां पर आपको जैसे स्नोवी हैमलेट वाले लोकेशन पे आते हो, बीच में आपको ये क्रिसमस का पेड़ देखने को मिल जाता है। यहां पर पहले मैंने एक ट्रिक बताया था, इसके अंदर हाइड होने के लिए आप रेंडियर यूज करते थे, बट यहां पर आपको बिना रेंडियर यूज किए भी आप इसके अंदर जा सकते हो। तो गाइस, यहां पर आपको सिंपली स्नो ब्लास्टर यूज करना है। आपको यहां पर पेड़ पे जो भी गिफ्ट देखने को मिलते हैं उसके जस्ट नीचे यहां पर आपको स्नो ब्लास्टर यूज करना है, एंड बर्फ का ढेर यहां पर जमा लेना है मैक्सिमम हाइट तक। तो यहां पर मैं मैक्सिमम हाइट तक बर्फ जमा लिया हूं। अब गाइस, यहां पर इसके ऊपर आपको चढ़ जाना है, एंड जो भी गिफ्ट आपको देखने को मिलते हैं इसके ऊपर जंप लगा देना है, एंड यहां पर जंप लगाते ही आप इजीली
इसके ऊपर जा सकते हो। अब गाइस यहाँ पर आपको अपने कैरेक्टर को लेफ्ट की तरफ यहाँ पर सरका देना है एंड यहाँ पर इजिली आप इसके अंदर हाइड हो सकते हो एंड कोई भी एनिमी यहाँ पर आपको स्पॉट नहीं कर पाएगा कि आप यहाँ पर एक्समस ट्री के अंदर छुपे हो सकते हो। तो यहाँ पर आप रैंक पुश भी कर सकते हो एंड गाइस यहाँ पर अगर लास्ट सर्कल बन गया तो मजा आ जाएगा। लिटरली यहाँ पर आप अंदर में बैठे बैठे चिकन निकाल सकते हो। सो गाइस देख सकते हो काफी कमाल का यहाँ पर आपको नजारा दिखने को मिल रहा है। मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर 3D व्यू में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी एनिमी स्पॉट आपको नहीं कर पाएगा। अब गाइस यहाँ से बाहर की तरफ एनिमी को आप कैसे मारोगे? तो एनिमी को मारने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर पीक वाला ऑप्शन यूज करना है एंड पीक ऑप्शन यूज करके आप इजिली बंदों को मार सकते हो। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैं बाहर निकल चुका हूँ। पीक वाला ऑप्शन यूज करते ही मेरा यहाँ पर DP आ चुका है एंड उसके बाद जो भी बंदे अगल बगल दिखते हैं उनको आप यहाँ पर से इजिली मार सकते हो। सो गाइस इस ट्रिक के लिए एक लाइक तो बनता है एंड चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिलहाल ले चलते हैं एक और कमाल के ट्रिक की तरफ। अब गाइस जब भी आप स्नोवी हैमलेट या फिर स्नोवी विलेज वाले लोकेशन पे आते हो तो ऐसे स्टैंड अलोन घर आपको देखने को मिल जाते हैं एंड इसके अंदर एक कमाल का ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। सो यहाँ पर आपको गेट के पास आते ही आपको स्नो ब्लास्टर यूज कर लेना है एंड मैक्सिमम हाइट तक यहाँ पर आपको स्नो ब्लास्टर यूज कर लेना है। अब गाइस यहाँ पर आपको इसके ऊपर चढ़ जाना है एंड ये जो लकड़ी देखने को मिलता है इस पर आपको जंप लगा देना है एंड इजिली आप यहाँ पर लैच ग्रैब करके इसके ऊपर आ जाओगे। अब गाइस यहाँ पर आपको कोई भी एनिमी स्पॉट नहीं कर पाएगा जल्दी। यहाँ पर आप रैंक पुश भी कर सकते हो जब तक यहाँ पर जोन रहता है। अदरवाइज यहाँ पर जो भी बंदे आपको इधर दिखते हैं उनको आप इजिली मार सकते हो। जो भी बंदे नीचे की तरफ आते हैं उनको भी मार सकते हो और खिड़की के सहारे भी मार सकते हो एंड खासकर जो भी बंदे लूट करने यहाँ पर आएंगे उनकी आप यहाँ से पेटी बना सकते हो। सो गाइस इस ट्रिक के लिए एक लाइक तो बनता है। काफ़ी छोटा सा ट्रिक है बट कमाल का ट्रिक है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। फिलहाल ले चलते हैं एक और कमाल के ट्रिक की तरफ। अब गाइस यहाँ पर ये ट्रिक करने के लिए आपको यहाँ पर ब्रिज के पास आ जाना है। ब्रिज के पास आपको ये जो घर के पास लाइट हाउस देखने को मिलता है इसके ऊपर मैं एक ट्रिक बताया था अंदर जाने वाला जो कि फिक्स हो चुका है ग्लिच, और एक ट्रिक बताया था कि इसके ऊपर से आप इसके ऊपर जा सकते हो रेनडियर के थ्रू। बट यहाँ पर मैं आपको आज एक कमाल का ट्रिक बताने वाला हूँ। बिना रेनडियर के इजिली आप इसके ऊपर क्लाइंब कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पर 2-3 बार यहाँ पर बर्फ जमा लेना है एंड गाइज यहाँ पर आपको स्नोबोर्ड यूज करना है। बर्फ पे आते ही यहाँ पर आप उड़ जाओगे एंड इजिली आप इसके अंदर आ सकते हो। एंड यहाँ पर आने के बाद बीच में आपको एक कवर देखने को मिल जाता है बालकनी के, जिसके थ्रू आप इजिली यहाँ पर एनिमी से छुप सकते हो एंड यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बैठ के रैंक पुश तो कर ही सकते हो। साथ ही साथ जो भी बंदे अगर आपको अगल बगल में दिखते हैं खासकर ब्रिज के पास उनको आप इजिली यहाँ पर मार सकते हो एंड स्नाइपिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छा यहाँ से कर सकते हो। अगर आपके पास स्नाइपर है तो आप अच्छे से यहाँ पर हाइट एडवांटेज लेके एनिमी को मार सकते हो। सो गाइस इस ट्रिक के लिए एक लाइक तो बनता है। अब गाइस ले चलते हैं एक और कमाल के ट्रिक की तरफ। अब गाइस यहाँ पर स्नोवी हैमलेट हो या फिर स्नोवी विलेज हो, सब जगह आपको ऐसे घर देखने को मिल जाते होंगे। कई बार ऊपर में एनिमी कैंप करके बैठ जाता है और नीचे उतरता ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपको अंदर रहना है एंड यहाँ पर नीचे वाले फ्लोर में ये जो बल्ब देखने को मिल जाता है यहाँ पर एक कमाल का ग्लिच मैं आपको बताने वाला हूँ। अब गाइस यहाँ पर बल्ब के डंडी पे आपको मॉली थ्रो कर देना है एंड जो मॉली रहेगा वो ऊपर की तरफ यहाँ पर चला जाएगा एंड एनिमी का जो है पिछवाड़ा जल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर इजिली यहाँ पर मॉली आप ऊपर की तरफ बल्ब के डंडी के थ्रू मार सकते हो। सो गाइस इस ग्लिच के लिए एक लाइक तो बनता है। फिलहाल ले चलते हैं एक और कमाल के ट्रिक की तरफ। अब गाइस यहाँ पर आपको फार्म आ जाना है। अब गाइस यहाँ पर आपको फ्लाइंग रेनडियर ले लेना है एंड यहाँ पर जो सामने दो टंकी देखने को मिल जाते हैं इसके ऊपर आप यहाँ पर जाने की कितनी भी कोशिश कर लो फ्लाइंग रेनडियर से भी तो यहाँ पर जल्दी नहीं जा पाता है। काफी मुश्किल से आप यहाँ पर इसके ऊपर आ पाओगे। बट यहाँ पर मैं आपको एक कमाल का ट्रिक बताने वाला हूँ। बेसिकली यहाँ पर ये जो ट्री देखने को मिल जाता है इस पेड़ के ऊपर यहाँ पर आपको ये रेनडियर लेके चले जाना है एंड ऊपर वाला बटन दबाते चले जाना है अप वाला। एंड गाइस यहाँ पर आपको काफी अच्छा हाइट मिल जाएगा। उसके बाद इसके थ्रू आप इजिली इस टैंकर के ऊपर जा सकते हो एंड विद इन सेकेंड भाई साहब आप इसके ऊपर क्लाइंब कर सकते हो। एंड इस ट्रिक को और अच्छा बनाने के लिए जो भी यहाँ पर आपका टीममेट है उसको यहाँ पर बोलना है कि भाई ये फ्लाइंग रेनडियर लेके तू चला जा, ताकि यहाँ पर कोई भी एनिमी आपको थोड़ा सा भी स्पॉट नहीं कर पाए एंड यहाँ पर इतने हाइट पे आके आप रैंक पुश तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ जो भी बंदे आपको नीचे दिखते हैं उनकी आप वाट लगा सकते हो। गाइज यहाँ पर देख सकते हो अगर आपके पास स्नाइपर है तो यहाँ पर आप काफ़ी अच्छा यहाँ पर किल उठा सकते हो और यहाँ पर रैंक पुश के लिए तो कमाल का ट्रिक है। यहाँ पर लेट जाओ, कोई भी एनिमी आपको यहाँ पर स्पॉट नहीं कर सकता है एंड यहाँ से नीचे उतरने के लिए आप स्नोबोर्ड यूज कर सकते हो। सो गाइज बिना कोई टाइम वेस्ट किए ले चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ।
मैप में आपको इस लोकेशन पे आ जाना है। यहाँ पर आपको इस घर के ऊपर फ्लाइंग रेंडियर के थ्रू मैंने आपको चढ़ना सिखाया था, बट यहाँ पर आपको बिना फ्लाइंग रेंडियर के भी आप इजिली इसके ऊपर जा सकते हो। गाइज यहाँ पर आपको गेट के पास मैक्सिमम हाइट तक यहाँ पर बर्फ जमा लेना है स्नो ब्लास्टर यूज़ करके, एंड उसके बाद यहाँ पर फुल स्पीड में यहाँ पर आपको स्नोबोर्ड लेके आना है एंड बर्फ के ऊपर आते ही जंप लगा देना है एंड ईजिली यहाँ पर इस रेलिंग के ऊपर आ जाओगे एंड इस रेलिंग के थ्रू आप यहाँ पर इसके ऊपर आ सकते हो एंड यहाँ पर लेट के आप एनिमी से छुप सकते हो। कोई भी एनिमी यहाँ पर आपको स्पॉट नहीं कर पाएगा। रैंक पुश के लिए तो एक कमाल का ट्रिक हो ही सकता है। साथ ही साथ जो भी बंदे आपको अगल बगल देखने को मिल जाते हैं उनको आप ईजिली मार सकते हो। अब गाइस यहाँ पर एक और कमाल का लोकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। अब गाइस यहाँ पर अगर आप इसके और भी ऊपर जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कोने पे आ जाना है एंड यहाँ पर कॉर्नर में आपको ये जो बॉर्डर देखने को मिल जाता है इस पे आपको जंप लगा देना है एंड ईजिली यहाँ पर आप क्लाइंब कर जाओगे इसके टॉप पे एंड यहाँ पर भी भाई साहब आप अच्छा खासा हाइट एडवांटेज ले सकते हो एंड इसके ऊपर आने के बाद कोई भी एनिमी जल्दी स्पॉट नहीं कर पाएगा। अब गाइस यहाँ से नीचे जो प्लेन देखने को मिलता है इसके ऊपर जंप लगा के आप यहाँ पर भी आ सकते हो और यहाँ पर भी कोई भी एनिमी स्पॉट नहीं कर पाएगा। रैंक पुश के लिए ये सारे ट्रिक काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प कर सकते हैं एंड जो भी बंदे आपको यहाँ पर शॉपिंग करने आएंगे उनको यहाँ पर मार सकते हो और गेट के थ्रू भी जो भी बंदे आएंगे उनको ही मार सकते हो। अब गाइस यहाँ पर बिना डैमेज के नीचे उतरने के लिए आप यहाँ पर स्नोबोर्ड यूज़ कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर आपको जंप लगाना है एंड टैप टैप करना है स्नोबोर्ड पे, इजिली आप बिना डैमेज के नीचे आ जाओगे। सो गाइस इस ट्रिक के लिए एक लाइक तो बनता है। फिलहाल ले चलते एक और कमाल के ट्रिक की तरफ। अब गाइस यहाँ पर कई जगह पर ये जो टावर वाला जो घर देखने को मिल जाता है इसके ऊपर एनिमी कैंप कर लेता है एंड गाइस कई कैंपर तो इतने जिद्दी होते हैं कि नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो नीचे में आपको ये जो बल्ब देखने को मिल जाता है इस बल्ब पे आपको यहाँ पर मॉली थ्रो कर देना है एंड ऊपर की तरफ यहाँ पर आग लग जाएगा एंड एनिमी का जो पिछवाड़ा है वो जल जाएगा। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो ऊपर में पूरा का पूरा यहाँ पर आग फैल चुका है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो जो भी बंदे यहाँ पर कैंप करते हैं उनको कुछ इस प्रकार से मॉली थ्रो करके एनिमी को मार सकते हो। सो गाइस ये ट्रिक आप उन सभी लोकेशन पे कर सकते हो जहाँ पर आपको बल्ब देखने को मिल जाता है। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके के और भी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।